हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में हाउ टू सेपरेट नंबर्स फ्रॉम टेक्स्ट। जी हां दोस्तों, काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि टेक्स्ट में से नंबर्स को कैसे अलग किया जाए, क्योंकि एमएस एक्सेल में ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में से नंबर्स को अलग कर पाए। तो ये करने के लिए हमें दोस्तों VBA की सहायता लेनी होगी, एक फंक्शन रिकॉर्ड करना होगा जिसका उपयोग करके हम बड़ी आसानी से टेक्स्ट में से नंबर्स को अलग कर पाएंगे। तो मैंने वो फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, एक बार आप देखिए, फिर मैं आपको डिटेल में सिखाता हूं। ओके, तो मैं यहां पे लगाता हूं फंक्शन इक्वल और फंक्शन का नेम है गेट नंबर। गेट नंबर ब्रैकेट ओपन, इसमें मैंने ये वाला सेल कर दिया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे नंबर्स आ गए। इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट है इसमें जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स यहां पे आ गए हैं। अब मैं अगर इसको ड्रैग ड्रॉप करूं नीचे की तरफ तो देखिए, यहां पे इन सभी सेल में जो टेक्स्ट है उसमें जो नंबर्स हैं वो यहां पे निकल के आ गए हैं। ओके दोस्तों, तो बड़ा ही आसान है ये गेट नंबर फंक्शन क्रिएट करना, थोड़ी सी कोडिंग करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में सिखा देता हूं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, मेरे पास ये एक एक्सेल की न्यू वर्कबुक है जिसमें मैं यूज करूंगा गेट नंबर फंक्शन, और फंक्शन की जो कोडिंग है वो मैंने एक नोटपैड की फाइल में टाइप कर दिया है जिससे आपको कोई समस्या ना हो। और दोस्तों, ये नोटपैड की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इसको डाउनलोड कीजिए, ओपन कर लीजिए और फाइल में कहीं भी क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए कीबोर्ड से तो सारा कोड जो इस फाइल में लिखा हुआ है सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लीजिए। तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, ये सारा कोड कॉपी हो गया है। और अब मैं इस नोटपैड की फाइल को यहां से क्लोज कर देता हूं, वापस आ जाते हैं एक्सेल में। अब कीबोर्ड से आप प्रेस कीजिए ऑल्ट F11 तो विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां आपको जाना होगा ऊपर इंसर्ट टैब में और मॉड्यूल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर सारा कोड पेस्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैंने कोड आपको लिख के दे दिया नोटपैड की फाइल में। बहुत जल्दी मैं VBA का फुल कोर्स शुरू करने वाला हूं चैनल पे, ताकि आपको सीरीज से ये VBA की जो कोडिंग है कैसे करते हैं ये सीखने को मिल जाए। ओके, तो अभी मैंने कोड यहां पे कर दिया पेस्ट और इसको बेसक आप कर दीजिए यहां से क्लोज, और फंक्शन रेडी है। मैंने यहां एक सेल लिया और इस सेल के अंदर मैं कुछ नंबर्स टेक्स्ट मिक्स करके लिख देता हूं और यहां पे लगाता हूं गेट नंबर। गेट नंबर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ये वाला सेल किया सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पे केवल नंबर आ गया है। ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क करेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, और जिस भी फाइल में आप मैक्रो यूज करते हो, इस तरह से VBA की कोडिंग यूज करते हो, उसको सेव कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। बहुत सारी कमेंट्स मेरे को मिलती हैं कि यार इन फाइल को सेव कैसे करते हैं, काम नहीं करती, दोबारा ओपन करने के बाद काम नहीं करती। तो दोस्तों, सेव कैसे करेंगे ये आप देखिए। जब आप अपनी फाइल को सेव करोगे तो जो सेव एज विंडो होगी वहां से आपको करना क्या है, ये सेव एज टाइप, यहां आप क्लिक कीजिए और यहां से चुनाव कीजिए एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, ये वाला ऑप्शन यहां से सिलेक्ट करना है और फाइल का नेम देके सेव कर दीजिए। तो कभी भी आप इस फाइल को ओपन कीजिए, ये फंक्शन हमेशा वर्क करते रहेंगे। ओके दोस्तों, एक बार आप ट्राई कीजिए, किसी भी तरह की कोई समस्या है मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।